अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये अपोजिंग फोर्स होता है जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट और बॉडी के बीच में बनता है, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट ऑफ बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और रोल और टेंड्स टू डू सो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, यानी जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये होता है। अब टाइप ऑफ क्या होता है? टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट सरफेस और बॉडी के बीच में बनेगा। इंटरनल सरफेस क्या होता है, जैसे लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के लेयर के बीच में, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। और यहाँ पर यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको नेचुरल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स विच क्रिएट द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, सो इट्स नेचर इटसेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और वो होता है म्यू एस इंटू एम, और म्यू एस क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग ओवर द अदर, क्लियर। और मतलब ये अपोज करेगा हमेशा उस बॉडी के डायरेक्शन को अपोज करेगा जिधर जो बॉडी मूव कर रही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। दूसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट एरिया के जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स होता है इसलिए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? इफ़ द बॉडी इज़ इन मोशन द फ्रिक्शन अपोजिंग इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे भी सेम एज F इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस लिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर हम म्यू के ले लेंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे।